एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस एंड इंडक्टर। वो कहते हैं सीरीज में अभी हमने क्या लगाया था, आर एल और सी, कहते सी को छोड़ दो, सिर्फ आर और एल को रख लो, एक रेजिस्टर है और एक इंडक्टर है, तो कोई बात नहीं। तो डायग्राम में वी सी छोड़ दो, डायग्राम में सिर्फ वी एल और वी आर बच गया, तो नेट वोल्टेज क्या बनेगी, अंडर रूट ऑफ वी एल स्क्वायर प्लस वी आर स्क्वायर, बस वी सी छोड़ दो। तो नेट वोल्टेज की वैल्यू अगर इसमें क्वेश्चन में आ जाता है तो नेट ई एम एफ की जो वैल्यू आएगी वो आएगी अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वायर प्लस वी एल स्क्वायर। टेन फाइव के फॉर्मूले में कहते हैं कि वी सी को छोड़ दो, क्या बचेगा, वी एल बाई वी आर। एक्स एल एक माइनस एक्स सी के फॉर्मूले में एक्स सी को छोड़ दो, एक्स एल बाई आर। और इम्पिडेंस के फॉर्मूले में एक्स सी को छोड़ दो, इम्पिडेंस आ गई। ठीक, तो न्यूमेरिकल में ये यूज़ करेंगे।